अजमेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला दूदू विधानसभा क्षेत्र के हटूपुरा में ग्रामवासियों को आत्मीय उद्बोधन दिया। दूदू विधानसभा के सालीग्राम में आम सभा एवं रिजू झुनझुनवाला का भव्य अभिनंदन किया गया। झुनझुनवाला ने सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर विधायक बाबूलाल नागर भी मौजूद रहे। गहलोत साहब ने और पायलट जी ने मेरे को यहाँ से टिकट दे के अजमेर जैसे जगह से जहाँ पे पायलट जी खुद रहे हो 5 साल के लिए, गहलोत जी का जितना प्यार रहा हो इधर, वहां पे मेरे को अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। सारी बातें नागर साहब ने कह दी, क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या नहीं कर सकते, कांग्रेस ने क्या क्या काम करे है, चाहे वो मनरेगा की योजना हो, ऋण माफी की योजना हो, चिकित्सा की योजना हो, सड़क की योजना हो, आगे भी जो कांग्रेस काम करने वाली है वो आप सबको पता है। जो न्याय की योजना लेके कांग्रेस आने वाली है, इसमें 72,000 रुपए हर साल जो 20% से नीचे लोग हैं, तबके के लोग हैं, 72,000 रुपए हर साल मतलब 6,000 रुपए हर महीने एक एक परिवार के जो हमारे हो कहीं भी हो, सबको लेके आऊंगा इधर, हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के लेके आऊंगा कि आप दूदू में आए, अजमेर में आए और इस जिले में जितने कारखाने हैं उनको देखे कितने बढ़िया से चल रहे हैं और यहाँ और अधिक से अधिक कारखाने खोले ताकि हमारे जितने युवा भाई हैं यहाँ पे एक आदमी को भी 5 साल में यहाँ से बाहर जाके काम करने का मौका ना मिले, एक आदमी भी बेरोजगार ना हो। अगर ये काम हमने कर दिया तो मैं सोचता हूँ हम इस देख दूदू की अजमेर की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।